धार पुलिस ने विगत दिनों सौम्या व्हीकल्स कंपनी के अधिकृत महिंद्रा शोरूम पर हुए गबन का खुलासा करते हुए 49 लाख का गबन करने वाले मास्टरमाइंड कैशियर को पकड़ा है और गबन की हुई राशि को क्रिकेट ऑनलाइन सट्टा में लगाने सहित इस घटना से जुड़े सट्टा चलाने वाले 4 आरोपियों को भी पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पूरी जानकारी के अनुसार 18 जून 2022 को सौम्या व्हीकल्स कंपनी के जनरल मैनेजर अकाउंटेंट दिनेश देहाडराय निवासी इंदौर सिलिकॉन सिटी ने लिखित शिकायत का आवेदन दिया था कि कंपनी के अधिकृत महिंद्रा शोरूम धार के कैशियर एवं एजेंट अश्विन गोस्वामी द्वारा 1 अप्रैल से 9 जून 2022 तक की अवधि में शोरूम एंड वर्कशॉप की राशि को अलग अलग दिनांकों में टुकड़ों टुकड़ों में कंपनी के विश्वास का अपराधी हनन करते हुए कुल 49,09,933 रुपये का गबन किया है तथा 10 जून से नौकरी पर आना बंद कर दिया और अपना मोबाइल भी बंद करके फरार है। उक्त घटना को धार पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली धार द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर उक्त आरोपी की तलाश शुरू की और मुखबिर की सूचना पर 28 जून को फरार आरोपी अश्विन पिता दिनेश गोस्वामी उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम अवली तहसील अंजड़ जिला बड़वानी हाल मुकाम इंदिरा कॉलोनी धार को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिस पर अश्विन ने बताया कि सिंगाना तहसील के मनावर के रहने वाले क्रिकेट के नामचीन सटोरिये राजदीप पिता जगदीश हम्मड़ सावन पिता हेमंत राठौर एवं पारस पिता रतनलाल अग्रवाल ने उसे उकसा कर बहकाया एवं कंपनी की राशि का गबन कर क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टा खेलने तथा राशि को 3 गुना कर आधा आधा रखने का लालच देकर 1-2 बार उसे सट्टे में बड़ा मुनाफा देकर उसे भ्रमित कर दिया। ऐसे में आरोपी अश्विन ने कंपनी की राशि को गबन कर तीनों के बहकावे में आकर 1 अप्रैल से 9 जून तक की राशि करीब 49,09,933 को टुकड़ों टुकड़ों में आरोपियों को देता रहा। आरोपी से उक्त मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सिंघाना में दबिश देकर 2 आरोपी राजदीप पिता जगदीश हामड़ सावन पिता हेमंत राठौर एवं धार शहर के पारस पिता रतनलाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि चौथे साथी प्रदीप पिता हेमाजी राठौर निवासी सिंघाना के साथ मिलकर इन्होंने षड्यंत्र किया और मुख्य आरोपी अश्विन को महिंद्रा शोरूम के कैशियर पद पर रहते हुए गबन करने के लिए उकसाया तथा गबन की हुई प्राप्त राशि की हिस्सेदारी कर आपस में बांट ली। पूरे मामले में धार पुलिस द्वारा सूझबूझ से कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रदीप राठौर को भी गिरफ्तार कर सभी आरोपियों से गबन राशि 48,18,000 रुपये जब्त की तथा 5 आरोपियों से 5 मोबाइल और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए। पूरे मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को दी है। ये जो एक प्रकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। यहाँ पर एक सौम्या शोरूम है व्हीकल का, जो महिंद्रा का अधिकृत शोरूम है, उसमें एक अश्विन गोस्वामी जो कि उनका कैशियर था, उसके द्वारा करीब यहाँ पर 50 लाख का गबन किया था। जो ग्राहक उसके यहाँ पर डाउन पेमेंट कैश में जमा करते थे, उस पेमेंट को बैंक में न जमा करके उसके द्वारा इसका गबन किया गया। उसने इस पैसे का IPL या अन्य जो क्रिकेट के सट्टा है उसमें उपयोग किया और उस पूरा पैसा को खत्म किया। जब कर्मचारी की सैलरी बांटने की बारी आई थी उस वक्त इस चीज़ का खुलासा हुआ और वो गायब हो गया। कंपनी के अधिकारियों के द्वारा जब इसमें रिपोर्ट की गई, पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया, जो कि एक बड़ा मामला था, पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह साहब के द्वारा इसमें एक टीम का गठन किया गया, जिसमें CSP धार देवेंद्र धुर्वे, थाना प्रभारी समीर, सौरभ शुक्ला और उनकी पूरी जो टीम और साइबर की टीम इस केस को खंगालने में लगी। और जब पता किया तो इसमें तो मुख्य रूप से सिंघाना के कुछ सटोरिए जो कि इस केस में सामने आए, जिसमें राजदीप पिता जगदीश हम्मड़, सावन पिता हेमंत राठौर और प्रदीप पिता हेमाजी राठौर, ये तीनों सिंघाना के रहने वाले ये मुख्य कल्प्रिट हैं। साथ ही पारस पिता रतनलाल अग्रवाल धानमंडी धार, इनके द्वारा इस पैसे को उसको उकसा कर सट्टे में यूज़ करवाया गया और उसमें ये हारा है, जिस पर ये चीज़ सामने आई। पुलिस के द्वारा इन सभी को गिरफ्तार किया गया है और करीब 48-49 लाख के संबंध में जो भी पैसा हुआ शोरूम से हुआ उसको रिकवर भी किया है। पुलिस इसके अन्य पहलुओं को भी जांच में लगी और शीघ्र ही इसमें और अच्छी कार्रवाई की जाएगी। इनके अलावा हमारे कई कर्मचारी भी हैं, प्रधान आरक्षक योगेश, आसिफ, सुनील, प्रदीप पाटिल, अरविंद चौहान, सोम जादौन, शिव वास्के और साइबर सेल के प्रशांत, इनके द्वारा भी इसमें रात दिन लग के इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अब पूरा प्रकरण में जो भी जो पैसा गया था, जो गबन किया था, उस पैसे को जब्त किया गया। सर, इससे पहले भी सिंघाना में कई बार सट्टा पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी सट्टा में चालू है, क्या चुके प्रभारी पे भी कार्रवाई होगी?
सिंघाना में पहले भी सट्टे की आई और सिंघाना में पहले भी सट्टे की बहुत कार्रवाई हुई है, आगे भी हम लगातार